है कभी कोई, मैं देखता हूँ आपने एक प्रोग्राम भी शुरू किया कि अगला सीएम कौन, तो उसमें बड़े बड़े दावेदारियाँ पेश करते हैं, लेकिन जब डेली वेजर का मुद्दा आता है तो इनसे जवाब देना नहीं बनता। मैं निर्मल सिंह जी का भी बयान सुन रहा था आपके चैनल के ऊपर, लेकिन वो स्पष्ट जवाब नहीं दे पाए। पता सबको है कि डेली वेजर एक बहुत बड़ी संख्या है, और अगर ये हमारे अगेंस्ट जाएगा तो वो सपने जो ये देख रहे हैं 50 पार के, तो वो सपने सपने ही रह जाएंगे। सिर्फ आपको जरूरत है, इनके लिए सब फैसिलिटी होनी चाहिए। आज आप 300 रुपये का रिचार्ज करो, एक महीना फ़ोन जितना मर्जी यूज़ करो, लेकिन इनको 15,000 रुपया भत्ता टेलीफोन का चाहिए महीने का, क्योंकि इनके लिए सब कुछ है। यही लोग कानून बनाते हैं, अपने लिए तो बना देते हैं, जब आम लोगों के लिए या डेली वेजर के लिए या अनएम्प्लॉयमेंट के लिए बात आती है भी लगाई जा रही है, लेकिन जिन लोगों ने लोगों तक पानी पहुंचाना उन लोगों को दिखावे की रणनीति अपना रहे और असल में थाली से रोटी गायब कर रहे। मैम कमीशन का मसला है, जहां से भी पाइप खरीदी होगी वहां से कुछ ना कुछ मिला होगा, जो कंपनी टेंडर लेगी वो भी कुछ ना कुछ दे के टेंडर मिलेगा उसको, उस तरफ ध्यान ज्यादा है या बेचारे गरीब लोगों से दुआओं के सिवा तो और कुछ मिलेगा नहीं, इसलिए इस तरफ ध्यान कम है। लेकिन जितनी जल्दी ये लोग ध्यान देंगे इतना बेहतर रहेगा, क्योंकि गरीब की बद्दुआ जो है वो कब्र तक भी पीछा नहीं छोड़ती। और अगर किसी को कोई गलतफहमी है तो वो हमारे अब्दुल रहीम राठौर साहब हैं, जो पूर्व में वित्त मंत्री रहे हैं, उनसे एक बार जरूर मिल ले। वो भी कहते थे मैं लगातार 6 बार विधायक बन चुका हूँ, हमारी जोरावर सिंह ऑडिटोरियम में एक बार मुलाकात हुई थी तो उन्होंने पहले ही कह दिया था कि डेली वेजर की बात मेरे से मत करना, मैं आपका मेहमान हूँ और आज डेली वेजर के मुद्दे पे बात मत करना। तो मैम उसके बाद आज वो ना मेहमान रहे हैं। पहले आप राठौर जी को आपने निशाना बनाया, और अब आपके जितने भी मैं बयान सुन रही हूँ, आपकी वीडियोस वायरल हो रही है, उसमें सुनील शर्मा आपके निशाने पर। मैम सुनील शर्मा के साथ कोई जाति दुश्मनी नहीं है, उन्होंने डेली वेजर के लिए थोड़ा सा एक अलग ही बयान दिया था कि उन्होंने एक चैनल पे बोला था इनसे हमें फर्क नहीं पड़ता। भाई अगर फर्क नहीं पड़ता, मैंने उनके किश्तवाड़ में जाकर के एक प्रोग्राम किया और वहाँ उनको चुनौती दी है, आपको फर्क नहीं पड़ता हम फर्क पड़वाएंगे। हाँ भ्रष्टाचार मुक्त भी हो गया और विकास की राह पे भी चला गया। आज परिवारों को, उन बेचारे परिवारों को 2 वक्त की रोजी रोटी के लाले पड़े हुए हैं, जिनके पिता यहाँ पे कुर्बान हो गए, जिन्होंने 30-30 साल डिपार्टमेंट को दिए, या तो वो खाली हाथ रिटायर होकर घर चले गए और या उनकी किसी वजह से इंसिडेंट में डेथ हो गई। आज उनके परिवारों को 2 वक्त की रोजी रोटी का इंतजाम नहीं है, तो यही विकास की पोल खोलने के लिए काफ़ी है। और दूसरा, विकास जो सरकार विकास के दावे करती है, 2015 में यही सरकार थी और 2015 से लेकर 2022 तक 70 महीने की डेली वेजर की वेजेस पेंडिंग है, यही इनके विकास के दावों की पोल खोलने के लिए काफ़ी है। अब भगवान आंकड़ा जानना चाहूँगी, कितने डेली वेजर्स ने सुसाइड किया? मैम लगभग 150 के करीब हमारा डेली वेजर सुसाइड कर चुका है, और 350 के लगभग जो है ड्यूटी के दौरान उनकी जिनकी डेथ हो चुकी है। और मैं तो भगवान से ये दुआ करूँगा, ऐसे 500 के करीब करीब है, और मैं भगवान से ये दुआ करूँगा ये विकास वाली सरकार हमें दोबारा ना दिखाए कि डेली वेजेस की उम्मीद की आखिरी किरण रवि हंस जी मेरे साथ, और लगातार लोग इन पर भरोसा करते हैं कि जिस दरवाजे तक हम नहीं पहुंच पाएंगे रवि जी जरूर पहुंचेंगे। 72 घंटे की यहां पर स्ट्राइक की गई है तमाम पीएचई डेली वेजेस की तरफ से, और आगे की रणनीति क्या रहेगी इसी पर चर्चा करेंगे। तो रवि जी क्या लगता है कि 72 घंटे अगर सफल हो गए तो आगे क्या? मैम सबसे पहले तो आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। इस लड़ाई का रिजल्ट जो है बहुत कुछ डेली वेजर पर निर्भर करता है कि डेली वेजर इस स्ट्राइक को किस तरीके से लेता है। अगर डेली वेजर हमारा जाग पड़ा और अपनी डिमांड को मसला हल करवाने के लिए उड़ खड़ा हुआ तो ये ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि हमारी बहुत बड़ी संख्या है, 22,000 की हम लोग बात कर रहे हैं। हम 22,000 की भी नहीं कर रहे बल्कि 61,000 परिवारों की हम बात करते हैं, लेकिन हमें अफसोस होता है कि बाकी जो अदर डिपार्टमेंट्स हैं वो अभी तक कहीं ना कहीं साइलेंट हैं, और कहीं ना कहीं इस चीज़ का सरकार भी फायदा उठाने की भरपूर कोशिश कर रही है। और पीएचई एम्प्लॉयज यूनाइटेड फ्रंट लगातार 2021 से, चाहे वो भूख हड़ताल हो 49 दिन की, उसके बाद लगातार चलता आ रहा है, अपनी लड़ाई लड़ रहा है, और सरकार को जरूर झुकाएंगे, सरकार से अपना मसला हल जरूर करवाएंगे। डेली वेजरों से रिक्वेस्ट है मेरी कि ये आखिरी लड़ाई, हमने पहले दिन कहा था जब 22 जून को शुरू की थी कि पालसी नहीं तो घर वापसी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं, इस लड़ाई को किसी न किसी मंजिल तक जरूर पहुंचाएंगे। और सरकार अगर ये सोचती है कि जैसे बीजेपी के बड़े बड़े नेता जो हैं कभी कोई बयानबाजी करता है, कभी कोई, मैं देखता हूँ आपने एक प्रोग्राम भी शुरू किया कि अगला सीएम कौन, तो उसमें बड़े बड़े दावेदारियाँ पेश करते हैं, लेकिन जब डेली वेजर का मुद्दा आता है तो इनसे
जवाब देना नहीं बनता। मैं निर्मल सिंह जी का भी बयान सुन रहा था अभी के चैनल के ऊपर, लेकिन वो स्पष्ट जवाब नहीं दे पाए। पता सबको है कि डेली वेजर एक बहुत बड़ी संख्या है, और अगर ये हमारे अगेंस्ट जाएगा तो वो सपने जो ये देख रहे हैं 50 पार के, तो वो सपने सपने ही रह जाएंगे। सिर्फ अपनी जिम्मेदारी डेली वेजर को निभानी पड़ेगी, इस स्ट्राइक में हिस्सेदारी करने पड़ेगी। ये लड़ाई लंबी जाने वाली है, अगर 72 घंटे में ये सरकार हमारे मसले को हल नहीं करती तो फिर और भी स्ट्राइक जो है बढ़ सकती है। विधायक जो होते हैं, या दिल्ली की ही मैं अभी चर्चा कर लूँ, तो दिल्ली में विधायकों का वेतन बढ़ाया गया है, जम्मू कश्मीर में भी काफ़ी लंबे समय से इस तरह की मांगे रही हैं कि विधायकों का वेतन बढ़ाया जाए। उनका वेतन हजारों में बढ़ाया जाता है, आपका 11 रुपये। मैम लाखों में, आप देखें 2014 से पहले इनकी कितना वेतन था, 48,000 के आसपास था, तो अब 2.5 लाख इनके टाइम पे ही 2.5 लाख हो गया था 32-33 मिला करके। इनको जरूरत है, इनके लिए सब फैसिलिटी होनी चाहिए। आज आप 300 रुपये का रिचार्ज करो, एक महीना फ़ोन जितना मर्जी यूज़ करो, लेकिन इनको 15,000 रुपया भत्ता टेलीफोन का चाहिए महीने का, क्योंकि इनके लिए सब कुछ है। यही लोग कानून बनाते हैं, अपने लिए तो बना देते हैं, जब आम लोगों के लिए या डेली वेजर के लिए या अनएम्प्लॉयमेंट के लिए बात आती है भी लगाई जा रही है, लेकिन जिन लोगों ने लोगों तक पानी पहुंचाना उन लोगों को दिखावे की रणनीति अपना रहे हैं और असल में थाली से रोटी गायब है। मैम कमीशन का मसला है, जहां से भी पाइप खरीदी होगी वहां से कुछ ना कुछ मिला होगा, जो कंपनी टेंडर लेगी वो भी कुछ ना कुछ दे के टेंडर मिलेगा उसको, उस तरफ ध्यान ज्यादा है। यहाँ बेचारे गरीब लोगों से दुआओं के सिवा तो और कुछ मिलेगा नहीं, इसलिए इस तरफ ध्यान कम है। लेकिन जितनी जल्दी ये लोग ध्यान देंगे इतना बेहतर रहेगा, क्योंकि गरीब की बद्दुआ जो है वो कब्र तक भी पीछा नहीं छोड़ती। और अगर किसी को कोई गलतफहमी है तो वो हमारे अब्दुल रहीम राठौर साहब हैं, जो पूर्व में वित्त मंत्री रहे हैं, उनसे एक बार जरूर मिल ले। वो भी कहते थे मैं लगातार 6 बार विधायक बन चुका हूँ, हमारी जोरावर सिंह ऑडिटोरियम में एक बार मुलाकात हुई थी तो उन्होंने पहले ही कह दिया था कि डेली वेजर की बात मेरे से मत करना, मैं आपका मेहमान हूँ और आज डेली वेजर के मुद्दे पे बात मत करना। तो मैम उसके बाद आज वो ना मेहमान रहे हैं। पहले आप राठौर जी को आपने निशाना बनाया, और अब आपके जितने भी मैं बयान सुन रही हूँ, आपकी वीडियोस वायरल हो रही है, उसमें सुनील शर्मा आपके निशाने पर। मैम सुनील शर्मा के साथ कोई जाति दुश्मनी नहीं है, उन्होंने डेली वेजर के लिए थोड़ा सा एक अलग ही बयान दिया था कि उन्होंने एक चैनल पे बोला था इनसे हमें फर्क नहीं पड़ता। भाई अगर फर्क नहीं पड़ता, मैंने उनके किश्तवाड़ में जाकर के एक प्रोग्राम किया और वहाँ उनको चुनौती दी है, आपको फर्क नहीं पड़ता हम फर्क पड़वाएंगे। समर्थन मिला किश्तवाड़ में? मैम बहुत अच्छा, आज देखिए आप किश्तवाड़ से बहुत सारे लोग यहाँ पे आए हुए हैं और पहली बार हमारे प्रोग्राम में किश्तवाड़ से साथी आए हैं, हम उनका वेलकम भी करते हैं। एक व्यक्ति से बात की, उनके पिता की मृत्यु हो गई थी, दुर्गम पहाड़ी पर काम कर रहे थे, गिरकर मृत्यु हो गई है, वो भी कहते हैं कंपनसेशन की कोई नीति नहीं है, SRO 520 का यहाँ पर पूरी तरह से दावेदारी की जाती है। तो क्या लगता है कि जिनके बच्चे अभी बेरोजगार है, ग्रेजुएट है, पापा उनके PhD डेली वेजर थे, उनका भी भविष्य नहीं है? मैम यही तो विकास है जिसके नारे लगाए जाते हैं कि जम्मू कश्मीर विकास की राह पे दौड़ रहा है, यही तो विकास है। दो नारे, एक भ्रष्टाचार मुक्त है और एक विकासशील। हाँ भ्रष्टाचार मुक्त भी हो गया और विकास की राह पे भी चला गया। आज परिवारों को, उन बेचारे परिवारों को 2 वक्त की रोजी रोटी के लाले पड़े हुए हैं, जिनके पिता यहाँ पे कुर्बान हो गए, जिन्होंने 30-30 साल डिपार्टमेंट को दिए, या तो वो खाली हाथ रिटायर होकर घर चले गए और या उनकी किसी वजह से इंसिडेंट में डेथ हो गई। आज उनके परिवारों को 2 वक्त की रोजी रोटी का इंतजाम नहीं है, तो यही विकास की पोल खोलने के लिए काफ़ी है। और दूसरा विकास, जो सरकार विकास के दावे करती है, 2015 में यही सरकार थी और 2015 से लेकर 2022 तक 70 महीने की डेली वेजर की वेजेस पेंडिंग है, यही इनके विकास के दावों की पोल खोलने के लिए काफी है। अब भगवान आंकड़ा जानना चाहूंगी, कितने डेली वेजर्स ने सुसाइड किया? मैम लगभग 150 के करीब हमारा डेली वेजर सुसाइड कर चुका है और 350 के लगभग जो है ड्यूटी के दौरान उनकी जिनकी डेथ हो चुकी है। और मैं तो भगवान से ये दुआ करूंगा, ऐसे 500 के करीब करीब है, और मैं भगवान से ये दुआ करूंगा ये विकास वाली सरकार हमें दोबारा ना दिखाए कि इतना विकास चाहिए। कौन सी चाहिए? मैम आम आदमी पार्टी आ रही है पीछे पीछे इनके, अभी हिमाचल में उन्होंने पुरानी पेंशन की बहाली का वादा किया था। मैम पंजाब में अभी उन्होंने 13,000 लोगों को परमानेंट कर दिया, जो उन्होंने वादा किया था कि हम पहली कैबिनेट में करेंगे, और उन्होंने वहां से 8,500 एक बार कर दिया और 4,500 लोगों को एक बार कर दिया। उनके लिए कानून कोई नहीं है, वो सारे चीजें लागू करते हैं, लेकिन जब इनकी बारी आती है ये कभी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट बताते हैं, कभी कुछ बताते हैं। दिल्ली का जो बजट है वो प्रॉफिट में चल रहा है, सब कुछ मुफ्त देने के बाद। जम्मू कश्मीर का बजट अभी प्रॉफिट में नहीं है, सबसे पैसे लेने के बाद।
नाम उनके मंत्रियों के पेड़ थोड़े छोटे हैं, इनके पेड़ बहुत बड़े बड़े हैं। आप देखें इतने बड़े बड़े मोटे मोटे तगड़े तगड़े लोग हैं, तो ये कहाँ इनका पेड़ भरेगा ही नहीं। बजट सरकारें तो घाटे में जाएगी। एक तरफ से ये कहते हैं कि ये डिपार्टमेंट घाटे में जा रहा था, हमने इसको प्राइवेट कर दिया। मुझे ये बताओ कौन सा प्राइवेट बिजनेसमैन है जो घाटे का सौदा करेगा? अगर डिपार्टमेंट घाटे में जा रहा था तो बिजनेसमैन खरीदेगा क्यों? और अगर डिपार्टमेंट फायदे में था तो सरकार ने बेचा क्यों? मैम सब मिलीजुली है, सब ये गोलमाल है, ये सब निकलेगा, लेकिन एक बार इलेक्शन होने दो। ये कहते हैं ना हम तैयार हैं इलेक्शन के लिए, लेकिन इलेक्शन को यही लोग रोक रहे हैं। 2014 से तो आज बड़ी अच्छी तरीके से नॉर्मलसी है, 2014 में जब फ्लड आया था तब हमारी डिस्टर्ब स्टेट थी, तब इन्होंने इलेक्शन घोषित करवा दी। अब सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन इलेक्शन कोई घोषणा नहीं हो रही, क्योंकि इनको पता है बीजेपी का सुपड़ा साफ होने वाला है, इसलिए इलेक्शन नहीं करवा रहे। और जब तक डेली वेजर का मसला हल नहीं होगा तो ये मुझे लगता नहीं है कि इलेक्शन करवा पाएंगे, और अगर करवाएंगे तो इनका सत्यानाश होना है।